संसद में आपके पास लोकसभा में इतनी बड़ी फोर्स है कि आप अपोजिशन को बुलिंग कर रहे हैं। अनंत वक्ता दृष्टिकोण में आज शाहीन बाग का राष्ट्रवाद। स्वागत है आपका एक बार फिर से अनंत वक्ता मीडिया के यूट्यूब चैनल पे। आज बात करेंगे देश के वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश कुमार रेजी से और जानने का प्रयास करेंगे शाहीन बाग के राष्ट्रवाद बनाम भाजपाई राष्ट्रवाद पर चर्चा। ये पीछे कई साल से चले आ रही बहुत सारी चीजों का भी वो परिणाम है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में कोई शाहीन बाग हो जाता है या जेएनयू में आज पहली बार अटैक हो गया या जामिया में कुछ हो गया या अलीगढ़ में पुलिस घुस गई। ये कई सालों से और पिछले कुछ सालों से जिस तरीके की कई सारी घटनाएं हुई हैं, जैसे जेएनयू में फरवरी 2016 में जिस तरीके से सरकार ने क्रैकडाउन किया, उसके बाद एक पूरी मशीनरी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजपा, उनके तमाम उनसे जुड़े संगठन, सोशल मीडिया पर ट्रोल और हिंदी के कई अखबार और कई चैनल, ये पूरा मिलके एक ऐसा माहौल बनाया गया है लगातार कि जो भी इस सरकार से सहमत नहीं है न सिर्फ उनका दुश्मन है बल्कि वह देश का भी दुश्मन है, वह गद्दार है। और उसके बारे में जैसे आपने कुछ दिन पहले देखा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार में एक केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गोली मारो, तो यही जज हैं, यही आधार तय करते हैं कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, यही उसका फैसला सुनाते हैं और यही उस फैसले को अंजाम भी देते हैं। तो उन सारी चीजों का एक थोड़ा ज्यादा आंदोलनात्मक रूप जो है हम देख पा रहे हैं। कभी पहले मान लीजिए कि कन्हैया कुमार का एपिसोड हुआ तो जेएनयू और कुछ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अपनी बात रखी, रोहित बेमुला का हुआ तो मोस्टली मान लीजिए कि स्टूडेंट्स थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, या लिंचिंग हुआ तो कुछ लोग बोले। लेकिन इतनी सारी चीजें होती हैं, ऊपर से सरकार का जो काम है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, उसकी भी बेचैनी लोगों में है। और जब आप समाज को तोड़ देंगे, रोज इस तरीके की बातें होंगी, बात बात पे आपके आपसे आपकी निष्ठा पूछी जाएगी कि तुम भारत के दुश्मन हो या भारत के मित्र हो, क्या हो नहीं हो, तो एक समय ऐसा आएगा जब लोगों को लगेगा कि भाई बोलना चाहिए, अब ऐसे नहीं हो सकता है। शाहीन बाग CAA NPA NRC विरोध व भाजपा विरोधियों का वह अड्डा जहां से लगातार स्वर बुलंद हो रहे हैं कि CAA NPA NRC वापस हो, क्या ऐसे में भाजपा के विचारों में कोई बदलाव नहीं होने की दशा में विरोधी हार मान लेंगे? क्या भाजपा पहले से मजबूत होगी? जो मूवमेंट चल रहे हैं, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो चाहे देश के अन्य हिस्सों में, वो शांतिपूर्ण है, तो टकराव का मामला नहीं है। लोग अपनी बात कह रहे हैं और लोग क्या, पॉलिटिकल पार्टियां भी कह रही हैं। और भाजपा, मैं नहीं मानता कि भाजपा सशक्त है, क्योंकि आप देख रहे हैं भाजपा लगातार चुनाव भी हार रही है और भाजपा अभी भी उतनी बड़ी ताकत नहीं हुई है जो किसी जमाने में कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी। लेकिन वो भी, उनको भी पीछे हटना पड़ा, उनको जनता ने रिजेक्ट किया। उसी तरीके से एक समय में आप देखिए कि बंगाल में कहा जाता था कि कम्युनिस्टों को आप हरा नहीं सकते, लेकिन वहां भी लेफ्ट फ्रंट की दुर्गति हुई। तो मैं नहीं मानता कि इनकी तो उतनी भी ताकत नहीं है जितना कई राज्यों में दूसरी पार्टियों को, कांग्रेस के अलावा भी क्षेत्रीय पार्टियों को जितना समर्थन हुआ करता था अपने जमाने में, चाहे आज कई क्षेत्रीय पार्टियों को जो समर्थन है, वो भाजपा शासित राज्यों में खुद भाजपा को उतना परसेंट वोट नहीं है। तो मैं एक तो चीज नहीं मानता। दूसरी चीज मैं मानता हूं कि अगर आप सशक्त भी हैं तो सरकार का काम यह होना चाहिए कि वो रीच आउट करे, वो विरोधियों के पास जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि CA में आपकी नीयत सही है और लोग भड़का रहे हैं, किसी को गलत तरीके से जनता को आपके खिलाफ मोबिलाइज किया जा रहा है, तो आप उसको गाली देके, आप शाहीन बाग को तौहीन बाग कह के, लखनऊ में आप अपने सपोर्टरों को घुसा के वहां पर हिंसा करवाना चाहते हैं, जो आज जामिया में हुआ, गोली चली और पुलिस हाथ पर हाथ धरे खड़ी देखती रही, तो इन तरीकों से तो आप भड़का नहीं सकते।
और मुझे लग रहा है कि यह आंदोलन लगातार बढ़ता जाएगा। राजनीतिक पार्टियां, कई राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो बहुत संकोच से इस आंदोलन में है, नहीं उस तरीके से खुल के आ पा रही हैं, लेकिन उनके समर्थक बहुत ज़्यादा उसमें कई जगहों पर हैं। तो मुझे लगता है कि एक समय यह आएगा कि राजनीतिक दलों को भी खुले रूप से इस आंदोलन में शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये आंदोलन कोई ऐसा आंदोलन नहीं है कि सिर्फ इसको हम सीए या एनआरसी या एनपीआर पर हम देखें। अच्छा, एक चीज और आप देखेंगे कि सरकार कहने लगी, जैसे ही विरोध हुआ कि एनआरसी नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तो सरकार कहने लगी भाई ये तो एजेंडे में ही नहीं है, जबकि 85 बार प्राइम मिनिस्टर से लेकर गृह मंत्री तक बोल चुके, पार्लियामेंट के अंदर बोल चुके, पार्लियामेंट के बाहर बोल चुके। तो ये भ्रम भी पैदा सरकार ने किया है, तो सरकार ये स्पष्ट करे, सरकार संवाद वो करे, और ये बड़प्पन की बात है, ये अच्छी बात है, ये सरकार का काम भी है और सरकार से ये अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। लेकिन जब आप सरकार में होते हैं, ठीक है आपकी विचारधारा कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप जनादेश लेके आप एक जिम्मेवारी पे आते हैं, तो इस देश में एक संविधान है, इस देश में परंपराएं हैं सरकार चलाने की, संसद है, तो मुझे लगता है कि सरकार को उस पर अब भी देर नहीं हुआ है। लेकिन दिक्कत यह है कि इनके जितने भी फैसले आप देखें, जितने फैसले देखें, वो एक तरीके से बुलडोज करके किए गए। एक रात में आपको नोटबंदी हो जाती है, कोई उसके लिए मीटिंग नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे जीएसटी में बिना किसी तैयारी के जीएसटी हो गई। बाद में इन्होंने 20 बार खुद इन्होंने ही उस रेट को रिवाइज किया, कभी छूट दी, कभी ये किया, कभी वो किया। ये लोग जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ गए, एनपीए खत्म करेंगे, रोजगार करेंगे, ये करेंगे, उसके बारे में डेटा तक छुपाए गए। इस सरकार का रवैया विपक्ष या अपने आलोचकों के साथ कैसा है? दूसरा कि सरकार संसद का, सरकार सरकार के भीतर गठबंधन के जो साथी दल हैं उनके साथ क्या रवैया रखती है, और तीसरा इस सरकार का जो सपोर्ट सिस्टम है, मीडिया, उनके मतदाता, उनके समर्थक और उनसे जुड़े हुए संगठन, उनका रवैया क्या है। तो उन तीनों चारों मसलों पर यह सरकार उदारवाद को बहुत पीछे छोड़ चुकी है, और मुझे लगता है कि अभी भी देर नहीं हुआ है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक विचारधारा या आप 50 साल तक राज करें और किसी तरीके से आप चुनाव जीतें उतना ही नहीं है। अगर यह देश ही नहीं बचेगा, जब इसके हेल्थ और शिक्षा, और अभी आप देख रहे हैं हेल्थ में क्या स्थिति है, ठीक है आपने आयुष्मान भारत के कर दिया, बहुत अच्छी योजना है, लेकिन उसकी समीक्षा क्या हुई, उसमें आवंटन क्या हुआ, इन सब चीज़ों पर जब आलोचना हो रही है, जब सवाल उठ रहे हैं, तो सरकार को बोलना चाहिए। तो यहाँ तो एक और दिक्कत है, वित्त मंत्री का काम रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री का काम कानून मंत्री, और आप कभी भी आपने हेल्थ मिनिस्टर को नहीं सुना किसी मुद्दे पे। अभी कोरोना वायरस का हुआ है, सरकार ने जारी कर दिया कि होम्योपैथी दवाई खा लो, यूनानी खा लो, ये खा लो। तो बहुत ही, न सिर्फ ये एक बहुत ही एक पर्सनालिटी बेस्ड सरकार है और बहुत ही अपने स्वभाव में और अपने व्यवहार में बहुत ही कठोर है, बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि ये डिसफंक्शनल सरकार है, ये सरकार फंक्शन ही नहीं कर रही। बोल रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, 5 में क्या हुआ, पूरा समाज टूट गया, कहीं जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे। राजनीतिक विरोध एक चीज है, जैसे वाजपेयी जी कहते थे कि मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। अब तो यहां तो स्थिति है कि आमने सामने आप हलो हाय नहीं हो रहा, संसद में आपके पास, लोकसभा में इतनी बड़ी फोर्स है कि आप अपोजिशन को बुलिंग कर रहे हैं। तो आप संसद हो या समाज हो, आपके कभी एजेंडा में ही नहीं था कहने में, ये तो ये जुमलेबाजियां हैं कि भाई हम सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, सबको साथ लेके चलेंगे। रिजल्ट कहीं तो कुछ रिजल्ट दिखता, अपराधी कम हो जाते, पुलिस ही अच्छा भर्ती हो जाता, जो 5 की संख्या खाली है पुलिस में, आप रोजगार ही बेहतर कर देते, आप 2-4 चीजों को प्राइवेटाइज करते तो उसका रिजल्ट बताते कि प्राइवेटाइजेशन से क्या फायदा हुआ। आपने रेलवे में इतना सुधार किया, रेलवे का बजट जो पहले अलग बजट आता था उसको आपने एक साथ बजट में डाल दिया, आप बताते कि भाई रेलवे बेहतर हो गया है। आज खबर आ रही है कि रेलवे जो है, आज ही रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है कि पैसा ही नहीं है, हम घाटे में हैं बुरी तरीके से, एयर इंडिया के रास्ते पे जा रही है भारतीय रेल। तो भाई आपका विकास करने का, आपको समृद्धि का, आपको देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का इरादा ही नहीं था, वो सिर्फ नारा भर था, वो सिर्फ जुमलेबाजी भर थी, और कोई तो एक मोर्चा बताइए भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ठीक है,
सिर्फ आप मेरी आलोचना को, मेरे उनके साथ जो भी जितने भी मतभेद हैं सब किनारे रख दीजिए, मैं उनसे चिढ़ता हूं, मैं उनको पसंद नहीं करता हूं, सारी चीजों को किनारे रख दीजिए, खुद सरकार तो बताए। करना क्या चाहिए, विपक्ष को संसद से सड़क में आना चाहिए, सड़क के रास्ते संसद में जाना चाहिए। अभी नोबेल पुरस्कार विजेता हमारे अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि देश में ऐसा अक्षम विपक्ष कभी नहीं था। तो यह एक बहुत निराशा की बात है और लोकतंत्र के लिए भी बड़ी चिंताजनक बात है कि आपके पास एक अच्छा विपक्ष नहीं है। सवाल यह ना कि कितनी सीटें होती हैं या आपके पास जन समर्थन कितना है, आप जो बात कहें वो तर्क के साथ रखें और ठीक से रखें, जहां पे आपको बोलना चाहिए, जहां पे सरकार पे उंगली उठानी चाहिए आपको उठानी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि चुनाव के टाइम में आप एक लड़ने आ गए तो भाई एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यह विपक्ष जो है अपने आप में खुद दिशाहीन विपक्ष है। विपक्षी पार्टियां अगर विकल्प नहीं देंगी तो समाज विकल्प देगा। भाई आज के डेट में आप जैसे शाहीन बाग, अब कोई पार्टी नहीं है, लोग खड़े हुए ना, आप उन्हीं से जा रहे हैं बात करने, तो जनता अपना नेतृत्व दे देगी। हो सकता है कि वो नेतृत्व देर से पैदा हो, उसको सही जगह पहुंचने में समय लगे, सरकार को हटाने में कुछ समय लगे, लेकिन मैं समझता हूं कि आज नहीं तो कल होगा। मीडिया के साथ बात करेंगे, आपका बहुत बहुत बहुत